हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शुक्रिया अदा करने मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल गए। इससे पहले पंजाब हाउस में एक इजलास में वो मौजूद थे और उस इजलास के बाद वो यहाँ अल शिफा हॉस्पिटल पहुँचे और इस वक्त मियां नवाज शरीफ फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए, खुशियों से भरी हुई और होगा इंशाल्लाह। आपकी वालदा साहब की दुआएं हैं, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। फ़र्क पड़ रहा था और आप तशरीफ लाए हैं, यकीन कर दिल इतना बड़ा हो गया है कि शायद अब तो दिल कर रहा है कि मैं उठ के बाहर वॉक करने आया था। आप सेहत याब हो जाए इंशाल्लाह, मैं आपको आपके हलके में मिलूंगा इंशाल्लाह। सर मैं ना जब पिछले कोई 7-8 महीने से इस चीज़ में हूँ, ये मैं इस शबाज़ से और कलाम मेरे फैसला इर्द गिर्द के हलके वाले उनसे मैं बड़ा जेलस होता हूँ कि ये आपके साथ अदालतों में होते हैं और मैं नहीं आ सकता। मैं आपके पास आ गया हूँ, मेरी भी खुश नसीबी मैं आपके पास आया हूँ। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि ये नौबत ही ना आए और आप सेहत याब हो जाएं और ये सब ये जो तमाशा ये हो गया है वो एक वो पंजाबी बोलते हैं ये धुएँ के काबिल है, ये इंशाल्लाह चाहिए है। ये आपने ये सफर कर ली है ना? नहीं हाँ, ये अल्लाह के फजल करम का शुक्र है। ये फेरी रखते हैं इंसान रखते हैं, परेशान ना होने की वजह से लोग जान हो जाता मैं लोग तो परेशान करने की कोशिश बड़ी करते हैं, करते हैं पूरी सर कायनात से एक तरफ होना और अल्लाह ताला की ज़ात साथ हो तो कोई एक पत्ता भी नहीं ला सकता और पूरी कायनात की ताकत इंसान की फेवर में आ जाए और अल्लाह ताला की ज़ात उसमें शामिल रजा ना हो तो फिर भी कुछ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आपके और हमारी पूरी पार्टी के सामने आ गए। कायनात में तो कई उनको मनाना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि इम्पॉसिबल होता है। अल्लाह तो बड़ी जल्दी मान जाता है, अल्लाह तो बड़ी जल्दी मान जाता है। अल्लाह को मनाना सबसे ज़्यादा आसान है। बिल्कुल आप मेरे लिए बनाए, मैं आपके लिए बना रहा नवाज शरीफ इस वक्त अल शिफा हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां पर उन्होंने बताते चलें कि अहम रहनुमा नून लीग के रजब अली उनकी आयादत की और कहा जा रहा है कि इसके बाद वो शायद मीडिया से भी बातचीत करेंगे। अभी वक्त हमारा तो पूरा मुकम्मल फेथ है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जमहूरियत जिसके लिए आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हक़ हुक्मरानी जो है उसको बहाल कर रहे हैं, उसके लिए आप के साथ और दीगर जो कैपिटल के साथ हाथ मिलाने के क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मुल्क के लिए कोई ज़ाती रंजिशों की बिना पे नहीं है, ज़ाती कोई ताल्लुक वास्तादारी की वजह से नहीं, मुल्क के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ये वोट की हुरमत के लिए, वोट के तकद्दस के लिए और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ विदाउट एनी प्री कंडीशंस। मियां साहब अभी भी आपको लगता है कि माजी में भी आपके साथ ये जो कुछ हुआ है अभी दोहराया जा रहा है, आपका जो मौकफ है तो ये जो 70 साल की पाकिस्तान की तारीख है, अब वक्त आ गया है कि ये आप बदल सकते हैं, आपके साथ आवाम खड़ी होगी और पार्टी आपकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी आपके इसको बदलना होगा और 70 साल तारीख से हमें डिपार्चर की ज़रूरत है, आगे बढ़ने के लिए इसको बदलना होगा और इसको बदलना चाहिए, इस सबके फ़ायदे में है, पाकिस्तान के अंदर सबके फ़ायदे में है और मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक नज़रियाती असूली स्ट्रगल है जिसको किसी कॉस्ट के ऊपर भी हम गिव अप नहीं कर सकते। तो कोई जी आदमी साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया है। अच्छा अच्छा, तो मियाँ साहब आपको लगता है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं हम देख रहे हैं कि
हर तरफ एक पोलराइजेशन नज़र आती है हमें। पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो कल जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रही थी, आज वो किसी और तरफ खड़ी हैं। हमारा मीडिया भी डिवाइडेड है, तो इस फिजा में आपको उम्मीद है कि आप अपनी स्ट्रगल में कामयाब हो सकते हैं? पीटीआई जैसी पार्टियाँ तो होती हैं अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, तो मैं तो उनकी तरफ ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ, उनसे तवक्को भी कुछ नहीं है हमें ज़्यादा। और क्योंकि उनकी सियासत डेमोक्रेसी की सियासत नहीं है, डेमोक्रेटिक उनकी कोई ना स्ट्रगल है और ना ही वो इस वक्त। नवाज शरीफ अल शिफा हॉस्पिटल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना था कि कल पीपल